सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अब उसे राउज रेवेन्यू स्थित अपना दफ्तर 15 जून तक खाली करना होगा। शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने के लिए 3 महीने की मोहलत दे दी है। चुनाव के बाद उसे जगह खाली करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपना दफ्तर खोलने के लिए जमीन के संदर्भ में केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन भी कर सकती है। शीर्ष अदालत के मुताबिक राउज रेवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। इस जमीन का उपयोग राउज रेवेन्यू कोर्ट परिसर के विस्तार के लिए होना था। यहाँ एक अतिरिक्त कोर्ट रूम का निर्माण होना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगामी चुनावों के मद्देनजर हम आपको 3 महीने का अतिरिक्त समय दे रहे हैं, उसके बाद ये जमीन खाली करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेपी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आम आदमी पार्टी को अपने कार्यालय के लिए वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस से संपर्क करने को कहा है। अदालत ने आपसे कहा कि वर्तमान भूमि पर कब्जा जारी रखने का आपसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। LNDO से आपके आवेदन पर कार्रवाई करने और 4 सप्ताह की अवधि के भीतर आपका निर्णय बताने का अनुरोध करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने तर्क दिया कि आपको राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उसे अन्य राष्ट्रीय दलों की तुलना में दफ्तर के लिए कम अनुकूल परिसर आवंटित किए गए हैं। उसे बदरपुर में जमीन दी जा रही है, जबकि बाकी सभी दलों के दफ्तर बेहतर स्थानों पर है। शीर्ष अदालत ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का संज्ञान लिया और जगह खाली करने के लिए आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनावों के बाद 15 जून 2024 का समय दिया है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित कार्यालय पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपके मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार के भूमि और विकास विभाग को आम आदमी पार्टी को जमीन आवंटित करने का भी निर्देश दिया है। हम बस यही आशा करते हैं कि भाजपा कोई प्रतिकूल और नकारात्मक साजिश नहीं करेगी और हमें भी उस क्षेत्र में जमीन आवंटित करेगी जहाँ अन्य राष्ट्रीय दलों के कार्यालय हैं।